أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعترته الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا بينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائي سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي مماتا محمد وآل محمد بار الہ ہماری حیات اور موت محمد اور آل محمد کی طرح قرار دینا اللهم اني اسالك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والاخره بار الہ ہمارے چہرے کو حسین ابن علی کے سامنے دنیا اور آخرت میں سرخرو فرمانا بر محمد وال محمد صلوات اللهم صل على محمد وال محمد تمام حمد و ثنا رب جلیل کے لیے زیبا ہے تعریف و توصیف اسی رب جلیل کے لیے ہے کہ جس کی مد و ستائش امیر المومنین نہج البلاغہ کے خطبہ اول میں بیان کر رہے ہیں الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون حمد و ثنا ہے اس رب جلیل کی کہ بلند پرواز اس کی رسائی نہیں کر سکتے جو دور ہے تو اتنا دور کہ بلند پرواز ہمتیں اس تک نہیں پہنچ سکتی نزدیک ہے تو اتنا نزدیک کہ رگ گردن سے نزدیک کل شین قدیر ہے سمیع بصیر ہے نظارت کا مالک ہے نزدیک ہے تو رگ گردن سے نزدیک تعریف و توصیف پروردگار کے ساتھ
शुक्र अदा करते हैं उस रब्बे जलील का कि जिसने सांसों को इतनी मोहलत दी, लम्हात में इतनी ताकत दी कि एक मरतबा फिर अज़ादारी अबा अब्दुल्ला का इज्तिमा हुआ और हम सब एक साथ यहाँ अज़ादारी अबा अब्दुल्ला का इजरा करने के लिए आ गए। 1400 साल गुज़रने के बाद 15वीं सदी में इस अज़ादारी ने कदम रख दिया। न जाने कितने हादसात रूनुमा हुए, न जाने कितने वाक़यात रूनुमा हुए। ये वो अज़ादारी थी जो कभी घर के अंदर होती थी और यही वो अज़ादारी है जिसको आज मैं और आप दुनिया के हवादिसात से निमटने के बाद मुलाहिज़ा कर रहे हैं। हर साल सैयदुश्शुहदा आते हैं, हर साल हुसैन इब्ने अली हमारे दरमियान होते हैं और वो जो दुनिया हम सबको अपनी तरफ बुला रही होती है, हुसैन एक लम्हे में दुनिया से निकाल कर खालिक की राह का सफ़र करा देते हैं। आज का मौजू है रिस्क़ अज़ादारी अबा अब्दुल्ला। हुसैन इब्ने अली इस माह मुहर्रम में क्या देते हैं, क्या चाहते हैं और इस अज़ादारी का क्या मकसद है? ज़ाहिरी तौर पे जब हम इस मकसद अज़ादारी को देखते हैं तो हम ये माशरे के अंदर जो सोच व फ़िक्र है वो ये कि अज़ादारी एक सवाब है और सवाब के नतीजे में हम कुछ आंसू बहाते हैं और तबर्रुक लेते हैं और हम समझते हैं कि ये वो मुकाम है कि जहाँ पर हमें बताया गया कि हम पैदा इसी लिए हुए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं कि जो वक्त और हालात के साथ साथ आगे बढ़ती गईं, यानी हमें उसकी मार्फत सदियों के सफ़र को तय करके आगे बढ़ी। इब्तिदा में इस अज़ादारी की जो कैफियत थी इसमें ये समझाना कि हक पे कौन है बातिल पे कौन है, ये एक मरहला था। और जब हमने अपना ज़माना देखा तो हमने बहुत सारी आवाज़ों को सुना और उन आवाज़ों में ये भी सुना कि खुद ही मारते हैं, मारा भी और ख़ुद ही रो भी रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने और आपने अपनी आंखों के सामने देखी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर हमने देखा करबला की ज़मीन हुसैन इब्ने अली के जलवे से पुरताप कैसे हुई। फिर लोगों ने देखा मरकद अबा अब्दुल्ला का जलवा क्या है, हुसैन इब्ने अली किस मुकाम पर हैं। तो अज़ादारी का ये सफ़र मुख्तलिफ मराहिल से गुज़रता रहा और आज 1400 साल गुज़रने के बाद हम इस सफ़र के अंदर शामिल हैं। आइमा अलैहिस्सलाम की सीरत और उस सीरत को सामने रखते हुए आज के इस मौजू को हम सामने लेके चलेंगे। मौजू इंशाल्लाह आपके सामने होना चाहिए रिज़्क़ अज़ादारी अबा अब्दुल्ला। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद और आल मोहम्मद। यानी वो नेमत इलाही कि जिसके ज़रिए इंसान दुनिया में भी कामयाब होता है और आख़रत में भी। रिस्क हमारे माहौल में मानवियत को कहते हैं, यानी किसी के पास अच्छी गाड़ी हो वो रिस्क है, किसी के पास ज़्यादा पैसा हो वो रिस्क है, किसी के पास ज़्यादा कपड़ा हो वो रिस्क है। लेकिन जब हम रिस्क की फहरिस्त को मासूमीन अलैहिस्सलाम की बारगाह में देखते हैं तो हम देखते हैं एक जुमला हमारे पास आता है, उस जुमले में हमें और आपको बताया गया अल्लाहुम्मर्ज़ुक़ना ज़ियारतल हुसैन, यानी एक रिस्क है हुसैन इब्ने अली की ज़ियारत।
फिर ज़ियारत आशूरा पढ़ते हैं, वहाँ पे कहते हैं बिका अन यरज़ुकनी तलब सारिका मा इमाम मंसूर मिन अहले बैत मोहम्मद व आले मोहम्मद। जब वो रिस्क तकसीम हो कि जब तू अपने वक्त के वली को दुनिया में जाहिर करे तो उस वक्त उसकी मदद करना, उस रिस्क को मेरे नसीब में लिखना, यानी इमाम की नियाबत में इमाम का साथ देना और इमाम के सामने शहीद होना, ये भी रिस्क है। हुसैन इब्ने अली इन्हीं तमाम रिस्क को लेके बंदेगाने इलाही के सामने आ चुके हैं। दुनिया के इतने हवादिसात हुए, लेकिन मुझे और आपको हिलाल माह मुहर्रम ने एक ख़बर दी, सफीना आ रहा है, हुसैन उसके दरमियान है, पैगंबर इरशाद फरमा रहे हैं इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजात। पैगंबर ने आज से 1400 साल पहले इरशाद फरमाया कि हुसैन सफीने के वारिस हैं, और सफीने अब अब्दुल्ला में बहुत सुर्रत है। तो आज मैं और आप दुनिया चौदह सौ साल गुजरने के बाद जो चीज़ ताज़ा है वो गमे अब अब्दुल्ला है। इसके अंदर कोई बोसीदगी नहीं आई। आपसे मैं अगर एक सवाल करूं कि ये कोरोना है और कोरोने के ज़माने में मैं आपसे कहूं आप घर बैठ जाएं, आज़ादारी ना करें, आप क्या कहेंगे? कोरोना से तो मौत नहीं आएगी, लेकिन फर्श पर न पहुँचने की वजह से मौत आ जाएगी। बहुत मुश्किल है एक इंसान को आप रोक लें और अज़ादारी अब अब्दुल्ला का ज़माना हो, बहुत मुश्किल है। तो बहुत सारी चीज़ों के दरमियान, बहुत सारी सोचो फिक्र के दरमियान, बहुत सारे पैगामात के दरमियान मैं और आप फर्श अज़ा पर आ गए। सबसे पहली चीज़, इस रिस्क को हासिल करने के लिए मैं और आप जहन में एक सवाल आता है कि अज़ादारी अब अब्दुल्ला का ऐलान हो गया, और यकीनन ये बुका का ऐलान है, यकीनन ये एक ऐसे मरहले का ऐलान है कि अब हमें 2 महीना सिर्फ फर्श पर आना है, गिरिया करना है, हदफ को सुनना है और मसायब को सुनना है, उसे नतीजा लेना है। लेकिन अज़ान मजलिस थोड़ा सा एक तफक्कुर और फिर आगे बढ़ते हैं कि अगर हम अज़ादारी अब अब्दुल्ला में गम के पैमाने को देखें तो हम देखते हैं कि पैमाने अज़दारी जो है वो 7 मुहर्रम से उरूज पर है। पानी बंद कर दिया गया, पहली खबर है, आसान नहीं है पानी का बंद हो जाना। 9 मुहर्रम अशकिया की तरफ से तीरों का चलना, आगाज़ है मुसीबत का। शब आशूर, रोज़े आशूर, उसके मराहिल, उनमें से एक के बाद एक मरहला। हमीद इब्न मुस्लिम यजीद का मौरिख कहता है कि मैं करबला के मैदान में देख रहा था, एक के बाद एक ऐसी अजीम शहादत आ रही थी जो हुसैन इब्न अली को मजरूह करने के लिए काफ़ी थी, लेकिन हुसैन इब्न अली का चेहरा ताबां था, चमक रहा था। शहज़ादे अली अकबर की शहादत, शहज़ादे कासिम की शहादत, ख़ुद अलमदार लश्कर की शहादत, टीले पे खड़े हो के एक शिशमाहे को ले के जाना और फिर तीर से शोबे को लगना, ये तमाम मराहिल थे करबला के, और इनमें से एक एक सदमा इंतहाई अजीम था। लेकिन उसके बाद जब मैं और आप करबला के अशरे को गुजारते हैं तो हम देखते हैं कि इस अज़ादारी में मज़ीद और तरक्की है। कुचले हुए लाशों के दरमियान से काफिले का गुजर जाना आसान नहीं है, फिर सरों पर रिदा का न होना, शाम गरीबा का बर्पा होना, फिर उसके बाद
थोड़े थोड़े वक्फे के बाद चौराहों पे खड़े होना, भूख और प्यास को बर्दाश्त करना और फिर बाजार में जाना, दरबार में जाना, बाबू साह में पहुंचना और फिर इसके बाद यजीद के दरबार में पहुंचना। ये मुसीबतों में से एक मुसीबत है। लेकिन मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि जितने भी मुसीबत है, ये जो एक अशरा है पहली मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक का अशरा, इसके अंदर जो मेरी ताकत है वो दूसरी है। इसके अंदर आप मुझसे 7 मजलिसें करवा लें, 8 मजलिसें करवा लें, लेकिन वो जो दूसरा अशरा जिसकी मैंने मुसीबतों का आपसे तذکرہ किया, वो अजीम मुसीबत है। लेकिन उसके बाद हमारी जो बॉडी की ताकत है वो कमज़ोर हो जाती है, वो इतनी तहरीक वाली नहीं होती कि आज आप मुझे एक जगह देखेंगे, दूसरी जगह देखेंगे, चौथी जगह देखेंगे। ये एक अजीब ताकत है। ये इस अजीब ताकत को मैं और आप पूरी दुनिया में देखेंगे कि इस अशरे को कहा गया अय्याम इलाही, अय्यामुल्लाह, शब कद्र से कम नहीं है ये अशरा। तो क्यों है इतनी ताकत जबकि अभी हुसैन इब्न अली जिंदा हैं, अभी अलमदार लश्कर मौजूद है, अभी वो जवान जो बाबा को कदम कदम पर सहारा दे रहा है वो मौजूद है, असहाब मौजूद हैं, लेकिन ये अशरा अपनी नबियत का वो अशरा है जो बता रहा है इस अशरे में इस्म नवीसी है, हुर आ रहे हैं, हबीब आ रहे हैं, वहवे कल्बी आ रहे हैं, इस्म नवीसी का अशरा है। और हुसैन इब्ने अली हर साल नई ताकत दे के बता रहे हैं, हर साल हबीब चाहिए, हर साल जुहैर चाहिए, हर साल वह विकल्पी चाहिए, हम में से कौन वह बनना चाहता है, हम में से कौन हुर बनना चाहता है, हम में से कौन अली अकबर की जवानी की तरह पेशकदमी करना चाहता है। यानी मैं मालूम ये हुआ कि हम में से हर एक किरदार है इस रिस्क अबा अब्दुल्ला को लेने के लिए, हम में से हर एक का किरदार है। तो जान मजलिस पर रिस्क है क्या? उलमाए किराम कहते हैं रिस्क सिर्फ दो चीज़ों के दरमियान है, एक आंसू और एक बुका। लेकिन ये आंसू मार्फत का आंसू, यानी इसके अंदर मार्फत हो, बुका इसके अंदर मार्फत हो, हदफ का तायुन हो। सईद शोदा ने मक्के से निकलते हुए एक ऐलान कुल्ली किया, यानी सईद शोदा की गुफ्तगू को जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि आपने कोई भी ऐसी गुफ्तगू नहीं की जो 60 हिजरी या 61 हिजरी की गुफ्तगू हो। मसलन मशहूर मारूफ जुमला है कि जब वलीद के दरबार से निकले हैं तो ये कहते हुए निकले, मुझ जैसा इस जैसे की बैत नहीं कर सकता। यानी हर दौर में होगा, मुझ जैसा नज़रिए का मालिक हर दौर में आएगा, हर दौर में मौजूद होना चाहिए, इस जैसा हर दौर में होगा। अब कोई नहीं कह सकता ये मामला सिर्फ हुसैन और यजीद का था। हुसैन इब्ने अली ने कुल्ली पैगाम दे दिया, एक फार्मूला दे दिया, मुझ जैसा इस जैसे की बैत नहीं कर सकता। यानी ये एक जुमला जो है वो आफाकी है, हम रहे ना रहे सईद शोदा का ये जुमला नस्लन दर नस्लन आगे बढ़ता रहेगा, और मार्फत के साथ जो इसके अंदर दाखिल हुआ वो इसके अंदर तैरता हुआ आगे बढ़ेगा, सैर करता हुआ आगे बढ़ेगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहुम्मा सल्ल अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वजल फरज। इसी तरीके से जब मक्के से चले, मदीने से चले, तो कह के चले मुझ जैसा इस जैसे की बैत नहीं कर सकता। जब मक्के से चले तो फिर आपने एक जुमला कहा, जो लोग मेरे साथ चलने के लिए ख्वाहिशमंद हैं और लिकाउल्लाह के लिए आमादा हो चुके, लिकाउल्लाह यानी परवरदिगार से मुलाकात के लिए आमादा हो चुके। यानी अगर आप सईद शोदा के जुमले की गहराई को देखें तो वो ये नहीं कह रहे कि जो अल्लाह से मिलना चाहते हैं, क्या इरशाद फरमा रहे हैं आमादा हो चुके, वो तैयार हैं, तो वो तैयार हो जाएं कल हमारी
इस मकाम से रुखसती है, हम चलने के लिए आमादा हैं। यानी जो लोग मेरे साथ चलने के लिए आमादा हैं 61 हिजरी के बाद से जितनी भी सने हिजरी गुजरती जाएगी, हर हिजरी वाला अगर मेरे साथ आमादा है चलने के लिए, अगर ख्वाहिश रखता है मेरे साथ चलने के लिए, तो सबसे पहले उसको खुदा से मिलने के लिए आमादा होना पड़ेगा। और जब वो आमादा है तो फिर वो खुशखबरी सुन ले, हुसैन सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। तो जान मजलिस एक नज़रिया हमेशा के लिए दे दिया, अल्लाह से मुलाकात इस फर्ज पर है, हुसैन मुलाकात कराएंगे, आमादगी मेरी शर्त है, आमादा मुझे होना है, तैयारी मेरी शर्त है। यानी मुझे मालूम होना चाहिए इस फर्ज पे हुसैन परवरदिगार से मुलाकात करा रहे हैं, खालिक और मखलूक के राबते को मजबूत कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इस सिलसिले में आती हैं कि ये फ़र्ज जो है एक बुका का फ़र्ज है, ये फ़र्ज जो है आंसू का फ़र्ज है, ये फ़र्ज जो है वो ज़ियारत का फ़र्ज है। यानी मैं और आप जब यहाँ आ रहे हैं तो बुका सीखने के लिए आ रहे हैं और रास्ता है ज़ियारत। तो आज कर्बला की सरजमीन नहीं है मेरे पास, आज मैं कर्बला में नहीं हूँ, लेकिन जितना भी शुक्र अदा करें उस परवरदिगार का हम नहीं अदा कर सकते कि जिसने कायनात में बशरियत के दरमियान मुझे और आपको एक ऐसी शख्सियत दी कि जो बैनुल अक्वामी शख्सियत है। यानी हुसैन इब्ने अली मेरा सरमाया तो नहीं है ना, हुसैन तो हर कौम का सरमाया। शायर ने यही कहा ना, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। यानी हुसैन अगर इस फर्श पे मैं और आप यहाँ बैठे हैं, मेरी अगर नौकरानी यहाँ साथ बैठी है, मैं बैठी हूँ, वो भी हुसैन को सदा दे रही है, मैं भी हुसैन इब्ने अली को सदा दे रही हूँ। यहाँ अगर इल्मी सतह में कोई कमज़ोर है, वो भी इस वक्त हुसैन इब्ने अली को सता दे रहा है। जो इल्मी सतह से बुलंद है वो भी हुसैन इब्ने अली को सता दे रहा है। सबका मतमय निगाह हुसैन इब्ने अली है। तो हुसैन इब्न अली खालिक और मखलूक के राबते को मजबूत कर रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ। कश्ती अबा अब्दुल्ला में सुर्रत है, कहते हैं कि हुसैन इब्न अली रिस्क तकसीम कर रहे हैं, हर एक अपनी मार्फत के साथ सईद शोदा को पहचान रहे हैं। थोड़ा थोड़ा अगर आप साथ देंगे तो इंशाल्लाह हम नतीजे को ले सकते हैं। मैदान ज़ियारत एक ऐसा मैदान है कि जिसको ज़ायर अगर उबूर कर ले, अज़ादार अगर उबूर कर ले तो कामयाब हो जाता है। यानी ज़ियारत ही एक ऐसा मैदान है, जब मैं ज़ियारत के लिए निकलती हूँ, मुझे कर्बला मौला जाना है, मुझे नजफ़ अशरफ जाना है, मुझे मशहद जाना है, मुझे काजमैन जाना है, तो उससे पहले मेरी क्या जिम्मेदारी है कि मैं एक गुस्ल करूँ, गुस्ल ज़ाहिरी, कि जो बातिन को भी धो दें और ज़ाहिर को भी धो दें। यानी ज़ियारत के बग़ैर ज़ियारत गुस्ल के बग़ैर नामुमकिन है। मैं और आप जाएंगे, लज्जत ज़ियारत नहीं होगी। इसी तरीके से कहा कि क्योंकि ये फर्श जो है अज़ादारी का फर्श, ये फर्श हरम बन चुका है इस वक्त, जब हरम में आओ तो ताहिर हो क्या। एक गुस्ल जो है वो पानी का गुस्ल है और एक गुस्ल है गुस्ल तौबा। यानी जब ज़ाहिर जा रहा होता है कर्बलाए मौला तो वो अपने रिश्तेदारों को जमा करता है, अफू दरगुजर से का मुतालबा करता है, कभी पड़ोसी को राज़ी कर रहा होता है, कभी घर वाले को, इसलिए कि हुसैन इब्ने अली से मुलाकात के लिए जा रहा है। तो बईद है कि मैं इस फर्श पे आऊँ और उन सारे मामलात को लेके आ जाऊँ।
घर वाला मुझसे नाराज, रिश्तेदार मुझसे नाराज, पड़ोसी मुझसे नाराज, अय्यामुल्ला है। मैंने अभी आपके सामने तस्करा किया, ये वो अशरा है जो अय्यामुल्ला है, और अय्यामुल्ला कहता है अपने आप को पाको पाकिजा कर लो, पाको पाकिजा करोगे हदफ खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, हुसैन खुद ब खुद लश्कर में शामिल कर लेंगे, हुसैन मिसले हुर आजाद कराएंगे, और यकीनन ये रिस्क़े बुका जो सिर्फ एक आंसू बहाने के बाद बसीरत का गुनाहाने कबीरा और सगीरा को माफ करवा देता है। लेकिन बसीरत हो, और बसीरत भी एक इतना बड़ा मौजू है कि इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो इस मौजू पे गुफ्तगू करें कि हम और आप इस मार्फत के मैदान को तेज़ी के साथ अगर उबूर करना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को समेटने के लिए मामलात को यहाँ दुरुस्त करके आएँ। गुस्ल ज़ाहरी और गुस्ल बातनी के साथ इस फर्श अज़ा पे आएँ। मामला कैसे सिमटता है? मामले के लिए समझाने के लिए हमारे पास मियार मौजूद है। आज 3 मुहर्रम है और रिवायत के मुताबिक सईद शोदा करबला पहुंच चुके हैं, लेकिन आज इस करबला को समझने के लिए करबला के वाक़े के अंदर अगर हम आएँ तो हमें अंदाज़ा होगा कि ये जो किरदार हैं करबला के, ये मुझे और आपको बताते हैं कि ये जो परवाज़ है जिसको मैं और आप उबूर कर रहे हैं, इसको तेज़ी के साथ कैसे उबूर किया जाता है। यानी एक इंसान करबला का कि जिसको मैं और आप देखते हैं कि वो अगर वो तौबा न करता और अगर वो दामने अब अब्दुल्ला से वाबस्ता ना होता, इस वक्त दुनिया का खताकार इंसान होता। उसका नाम लोग हुर लेना भी नहीं पसंद करते, लेकिन कहते हैं कि शायद पहली मुहर्रम थी, अब माह ज़िलहिज की आखिरी तारीखें थी, मंजिल क़ादसिया से नज़दीक काफिला पहुंच गया, और करबला से नज़दीक इसलिए होना पड़ा कि जहां जाते थे इब्न ज़ियाद के सिपाही घेरे में लेते थे, कूफे जाने से मना करते थे, सईद शोदा एक सहरा की तरफ ले जाए जा रहे थे। कहते हैं कि प्यास और उसकी तदारुक के लिए पानी तलाश किया जा रहा था, साथियों ने कहा अपने रसूल अल्लाह वो दूर से पानी नजर आ रहा है। सईद शोदा जब निगाह डालते हैं कहते हैं पानी नहीं है, ये एक लश्कर आ रहा है और उसके नेजे की अनी आपस में मिल के पानी का मंजर पेश कर रही, एक बड़ा लश्कर आ रहा है, इंतजार करो ये क्या कह रहा है। लश्कर करीब आया, सहरा का भटका हुआ लश्कर था, अंदाज़ा लगा सकते हैं पानी इनका ख़त्म हो चुका था। कहते हैं ज़बान लटक रही थी, सईद शोहदा के करीब तो पहुंचा लेकिन फ़ौज का जो इंचार्ज था उसने कहा हुसैन इब्न अली आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप हमारे हवाले हैं। ये हुर था। सईद शोहदा एक जुमला कहते हैं, इरशाद फरमाते हैं हुर तेरी माँ तेरे सफ पे मातम करे, और ये जुमला बता के हुसैन इब्न अली हुर को पहचानवा देते हैं। वो कहता है इब्न रसूलल्लाह, क्योंकि माँ का मामला बड़ा हसास होता है, कोई भी अपनी माँ की गुफ्तगू गैरों के बीच में सुनना पसंद नहीं करता। कहता है इब्न रसूलल्लाह ये आप ही के ऊपर अच्छा लगता है कि आप इस तरीके की गुफ्तगू करें, कोई और होता तो मैं बताता कहाँ आपकी वालदे गिरामी और कहाँ मेरी माँ, मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं कुछ नहीं कह सकता इस सिलसिले में, खामोश हूँ। कहने को तो उसने छोटे से जुमले का मुकाबला, एक जुमला आया और उसके जुमले के जवाब में हुर ने जवाब दे दिया, लेकिन सईद शोहदा ने दुनिया को पहचानवा दिया। हुर को ये नहीं कहना कि हुर बाबसीरत नहीं था, हुर ने पहले दिन बसीरत का मुजाहरा किया है।
और फिर इसके बाद पानी पिलाना शुरू किया। पानी पिला रहे हैं। अब कुछ पानी पिलाने का मंजर तारीख इस्लाम बताती है ना, तारीख करबला, वो बड़ा खूबसूरत है। हर एक पानी पिला रहा था, लश्कर के बच्चे। इन ये जो पानी पिलाना लेन देन, ये इंसान के अंदर खून के दौरानिए को तेज कर देता है। एक इंसान के अंदर इतनी फरहत होती है। सईद शुहदा ने सबको खड़ा किया, ओ न मोहम्मद कासिम, सब पानी पिलाओ, लश्कर प्यासा आया है। मौला, आया तो गिरफ्तार करने के लिए। तो मेरा मौला कहेगा, तारीख तो लिखी जा रही है ना, तारीख तो हुसैन के सियाक व सबाक को लिखेगी। क्या कहना चाहते थे, क्या करना चाहते थे, कितना जूदो करम था, यानी अस्माए इलाही का मजहर उस वक्त दुनिया की सरजमीन पे हुसैन पेश कर रहे थे। पानी पिलाओ। रोज़े आशूर, यजीद का एक सिपाही कहता है, जंग करते करते मेरा सामना हुसैन से हो गया। हुसैन मेरे सामने आ गए, मुझे याद आया मैं तो लश्करे हुर का सिपाही था, और उस दिन जब हम हुसैन इब्ने अली से मिले थे, प्यास अलमान, हम सहरा की गर्मी बर्दाश्त करते हुए हुसैन के सामने पहुंचे थे, पानी पिलाया जा रहा था, लेकिन मैं पानी नहीं पी पा रहा था। जब हुसैन इब्ने अली ने देखा मैं चुल्लू भी नहीं बना पा रहा, हुसैन ने मशक दहाना खोल दिया और मैं अपने मुंह में हलक में पानी को उंडेलता रहा। जब मैं सैराब हो गया, मुस्कुरा मुस्कुरा के देखते रहे, पानी पियो, आराम से पियो, आराम से पियो। जिसको हुसैन जैसा शफीक इमाम पानी पिला रहा हो, क्या नसीब था तेरा, हुसैन सैराब कर रहे थे लेकिन तू सैराब ना हो सका। वो कहता है कि मुझे वो वक्त याद आ गया जब हुसैन ने भरपूर अंदाज से मुझे सैराब किया था। मैंने सोचा कहीं हुसैन मुझसे पानी का मुतालबा ना कर दें, मुझे याद ना दिला दें कि उस दिन उन्होंने मुझे पानी पिलाया था। मैंने देखा, क्या कहना हुसैन की शान का, एक बार मुझे परेशान देखा, अपना रुख मोड़ लिया, मेरे करीब आए और गुजर गए, जैसे कि मुझे पहचाना ही ना हो। ये 3-4 दिन का मरहला भी कोई भूल सकता है, 10-12 दिन का मरहला भी कोई भूल सकता है, लेकिन वहाँ पे भी बताया, सखी इब्ने सखी, करीम इब्ने करीम। और अज़ान मजलिस वो मंजिल क़ादसिया के नज़दीक का मंज़र, खूबसूरत तरीन मंजर गुजर रहा था। एक तरफ बैत का मुतालबा था, एक तरफ प्यास की किल्लत थी, शिद्दत थी, और दूसरी तरफ जोहर का वक्त आ गया। पैगाम भेजते हैं, फिर हुर की शनाख्त कराई जा रही है। पैगाम भेजा, हुर से कहो मुअज्जिन अजान दे रहा है, नमाज शुरू होने वाली है, नमाज फुरादा पढ़ेंगे के साथ में पढ़ेंगे। ऐसा भी कभी हुआ, दुश्मन से कोई कहे कि नमाज हमारे साथ पढ़ो, ये सिर्फ खानदान रिसालत के मनाजिर हैं, ये इनका रिस्क है जो अपने चाहने वालों को अता करते हैं। मौला, आप हुर को नमाजियों की सफ में देखना चाहते हैं, ये गुनाहगार है। तो मैंने मालूम हुर कहाँ गुनाहगार है। हुर के पास पैगाम भेजा, नुमाइंदा आ गया, मौला कह रहे हैं नमाज कहाँ पढ़ेंगे, फुरादा पढ़ेंगे या जमात के साथ, मौला के जमात के साथ पढ़ेंगे। और वो हुर पुकार कहता है, हुसैन इब्ने अली मैं आ रहा हूँ, मैं तन्हा नमाज कहाँ पढ़ सकता हूँ, यब्न रसूल अल्लाह रुक जाइए मैं आ रहा हूँ। हुर आ रहा है, नमाज हुसैन के साथ पढ़ेगा। ये मैदान एक ऐसा मैदान था जहाँ पूरा तारुफ हुर का कराया गया। हुर कौन था, एक मामूली शख्सियत नहीं था, बामार्फत शख्सियत था। क्या हुर बेनमाजी था, नहीं, हुर को जमात के उसूल मालूम थे। लश्कर अब अब्दुल्ला में अगर हुर भी आएगा तो इतना बामार्फत होगा। और ज़ाहिर मजलिस मरहला ख़त्म हुआ, रोज़े आशूर आ गया,
और अब हुर आ रहा है हुर बनके। हाथ बांधे हुए हैं, आंखें बंधी हुई हैं, और अब वो बारगाहे हुसैन इब्ने अली में आ रहा है, थर्राता हुआ, कांपता हुआ बारगाहे इमामत में आ रहा है। वो जो 3 दिन की भूख और प्यास बर्दाश्त किए हुए हैं, वो जंग का जवाब नहीं दे रहे हैं, वो कहते हैं मुसल्ले पे खाक करबला पे बैठे हुए कहते हैं, अली अकबर जाओ मेहमान आ गया, अब्बास जाओ मेहमान आ गया। शायद ये एक रात का इंतज़ार था, हुर आ जाए तो कल जंग शुरू हो जाए, हुर आ जाए तो फिर जंग का आगाज़ किया जाए। हुर आ गए, बड़ा अजीब जुमला सईद शुहदा ने कहा, उन्होंने कहा अपना रसूल अल्लाह क्या दुनिया का खतकार इंसान माफ़ हो सकता है? अजीब जुमला है मेरे मौला, ये जुमला मैं भी अपनी ज़िंदगी में एक बार सुन लूँ, हम सब एक बार इस जुमले को सुने। कहते हैं हुर हमने भी माफ़ किया, खुदा ने भी माफ़ किया, मामला खुदा तक पहुँच गया। कितना खुश नसीब है ये हुर, दरवाजे पे आया। मौलाना अज़हर हसन ज़ैदी मेरे बचपन के ज़ाकिर थे, बड़ा खूबसूरत मंज़र बयान करते थे, कहते थे कि जब शोर मचा और तकबीर बार बार बयान पढ़नी शुरू हुई, ओन मोहम्मद को बुलाया खैमे में, बिनत फ़ातिमा ने बुलाया और उसके बाद कहा मेरे लाल ये शोर कैसा मचा? कहते हैं अम्मा हुर आ गया, हुर लश्कर में शामिल हो गया। ख़ानदान रिसालत की बेटी हैं, अली की बेटी हैं, फ़ातिमा की पारे जिगर हैं, ये नहीं कहती हुर यहाँ क्यों आया, 3 दिन से पानी बंद है, ये कहती हैं जाओ करीब जाके खड़े होना और मामू कह के सलाम कहना, कहना माँ ने सलाम कहा है। ये रिस्क है, ये वो रिस्क है कि जो ताकत दे देता है। ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता था, करबला की जंग का आगाज हुआ, हुर पहले मरहले में शहीद हो गया, बात यहां तक खत्म नहीं हुई। आज मैं और आप ज़ियारत के लिए करबला मौला जाते हैं, जब मैं करबला पहुंची और मैंने ज़रिए मुक़द्दस शहदाए गंज शहीदा की जाली पकड़ी, तो सब मेरी तरह शायद हर नाशनास हुर को तलाश करता है, शायद हुर यहाँ हो, दरवाजे पे देखा हबीब थे शायद, फिर हुर कहाँ गया? तो फिर मुझे बताया गया हुर वादिये तफ में है, थोड़ी दूर मेहनत करके हुर तक जाना पड़ेगा। मुझे जाके वहाँ अंदाज़ा हुआ, यहाँ हुर बता रहे हैं जो हुर की तरह माफ़ हो जाता है वो इतना अजीज़ व मुकर्रम हो जाता है कि ज़ाहिर उसकी ज़ियारत के लिए दूर से आता है और आने के बाद कहता है अस्सलामु अलैका या अब्द साले अल मुतीउ लिल्लाह व लिरसूलिही, सलाम हो तुझ पर, सलाम हो अल्लाह का और उसके रसूल का, ख़ानदान रिसालत का, कि तूने अपनी ज़िंदगी को कामयाब कर लिया, बारिला तुझे वास्ता इस फर्श अज़ा का। आज की सब इस हुर के नाम से मंसूब है, बारिला हमारी रूहों को हुर की तरह रिहाई नसीब फरमा, दुनिया से जुदाई नसीब फरमा, बारिला इस फर्श अज़ा के ज़रिए हम सबको अपने ज़माने के इमाम की नुसरत का तरीक़ा और सलीका सिखा दे। क़ल्ब नाज़नीन इमाम यासिर को हमसे राज़ी फरमा, इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा और हम सबको उनके आवान व अंसार में शामिल फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस्समीउ।